हे गाइस, वेलकम बैक टू द अनदर व्लॉग। एंड आज है मेरे साथ हर्ष, जो कि खुद एक यूट्यूबर है और ये दिल्ली में रहता है। इसका भी भाई का व्लॉग चैनल है, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वो देख सकते हो। दिल्ली के व्लॉग बनाता है, चोर बाजार भी जाता है भाई ये, ताकि दिखाने के लिए लोग वहाँ पे क्या क्या मिलता है। एंड दोस्तों, आज हम जाने वाले हैं काशीपुर की बहुत ही अच्छी जगह। जाने के मैं आप यहाँ पहुँच चुका हूँ, या पीछे आप आर्ट्स देख सकते हो, मैं वहीं खड़ा हूँ अभी। बट अभी जो है मैं घुमाऊँगा आपको क्या जगह है क्या है, तो थोड़ा सा सस्पेंस है, बट बहुत ही अच्छी जगह है, मैं आपको वहाँ आज लेके चलूँगा। सो ये जो जगह है, ये काशीपुर की ऐतिहासिक जगह है, जो कि यहाँ की जो इंडिया की आज़ादी से रिलेटेड एक जगह है उत्तराखंड में, काशीपुर में, जो कि कुछ लोग जानते भी होंगे। फिर मैं आपको वहाँ लेके चलता हूँ, चलिए स्टार्ट करते हैं। सो ये आ चुका है हमारा मेन गेट। मेन गेट का हम जैसे एंटर करते हैं और जाते हैं इसके हम लेफ्ट साइड, तो लेफ्ट साइड मैं चलता हूँ इधर, एंड देन मैं आपको बताता हूँ। पहले थोड़ा सा जो ये पंत पार्क है, ये स्थित है महाराणा प्रताप चौक से पहले, अगर आप मुरादाबाद रोड की तरफ से आते हैं। देन दोस्तों, ये है उत्तराखंड की एक कहें तो मैं काशीपुर की एक बहुत ही ऐतिहासिक धरोहर है, जो कि हमारे एक उस समय के आज़ादी के जो एक स्वतंत्रता सेनानी थे पंडित गोहिली वल्लभ पंत, तो उनकी जो है वीरता को एक दिखाता है, हमें दर्शाता है। दोस्तों हम आगे बढ़े जैसे, तो मुझे दिखा यहाँ पे एक संकेत, जो कि शायद आपको पता होगा, जो सत्याग्रह आंदोलन गांधी जी ने चलाया था, तो उसकी एक तस्वीर बना रखी है दीवार पे, जो है आर्ट कर रखी है उस चीज़ की, जो कि गांधी जी और कई अन्य स्वतंत्रता सेनानी इसमें हैं। दोस्तों मैं आगे बढ़ रहा था, तभी मुझे यहाँ पर एक जो है भैया मिले, तो उनसे हमारी थोड़ा हाई हेलो हुआ। देन जैसे ही मैंने उनसे हाई हेलो करा, उसके बाद मैं थोड़ा आगे चला, तो मुझे एक और वॉल दिखी जिसमें काफ़ी अच्छे तरीके से आर्ट कर रखी थी, उसमें जो है मोर बन रखा था एंड थोड़ा सा पहाड़ का एरिया उसमें दर्शा रखा था एक वॉल पे। आगे चलते मैं आपको बताता हूँ पंत जी के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। इनका पूरा नाम था पंडित गोविंद वल्लभ पंत और इनके पिताजी का नाम था मनोहर पंत। दोस्तों इनका जन्म हुआ था 10 सितंबर 1887 को अल्मोड़ा, मतलब उत्तराखंड के जो अल्मोड़ा शहर है उसके पास एक गाँव है, वहाँ पर इनका जन्म हुआ था। दोस्तों ये हमारे भारत के चौथे गृह मंत्री और उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री के रूप में कार्य कर चुके हैं, जिन्होंने हमारे देश को आगे बढ़ाने में बहुत अहम भूमिका निभाई है। और ये हमारे देश के स्वतंत्रता सेनानी थे, जिन्होंने कई आंदोलनों में बहुत अहम योगदान निभाया है, जिसके चलते आज हम आज़ादी पा सके हैं। तो हम इनका शुक्रगुजार करते हैं, इनको एक बार दिल से जय हिंद कहते हैं, इनको सलाम कहते हैं। तो आप सब भी कमेंट में एक बार इनके लिए जय हिंद लिख दीजिए। एंड दोस्तों ये है इनकी लगी हुई प्रतिमा, जो कि काशीपुर पंत पार्क में स्थित है। ये है पंडित गोविंद वल्लभ पंत जी की प्रतिमा, जो आपके सामने है, आप देख रहे हैं इसे। एंड दोस्तों मैं इसके बाद आपको बताता हूँ, जैसे हम पीछे घूमते हैं, यही मूर्ति के पीछे एक और पॉइंट है, वो मुझे बहुत अच्छा लगता है। इसके पीछे मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ, यहाँ पर तो ये लगा रखा है यहाँ पर भारत रत्न का चिन्ह। हाँ, जूम जो मैंने किया है अभी, ये भारत रत्न का चिन्ह, जो कि इनको सारे काम के लिए दिया गया था 1957 में, भारत सरकार द्वारा इनको भारत रत्न दिया गया था, भारत रत्न से सम्मानित किया गया था इन्हें, जो कि भारत का सबसे बड़ा अवार्ड माना जाता है किसी भी नागरिक के लिए। एंड दोस्तों आज हम इनको याद करते हैं, क्योंकि हमारे देश के स्वतंत्रता सेनानी थे, इन्होंने आज़ादी दिलाने के लिए बहुत ही अहम योगदान निभाया है। और दोस्तों यहाँ पर पार्क में काफ़ी अच्छी अच्छी एक्टिविटी के लिए मशीन लगा रखी है, एक्टिविटीज़ के लिए, ये छोटे बच्चों के लिए झूले हैं, और इधर ये वॉल आर्ट कर रखी है। मुझे वॉल आर्ट काफ़ी अच्छी लगी, दो तीन जगह मैंने देखी, वॉल आर्ट की मेहनत यहाँ काफ़ी सारी है। एंड दोस्तों ये है इधर का, जो भी आप पीछे का बैकग्राउंड देख सकते हैं। तो यहाँ मिल चुके हैं हमें एक भैया, जो कि सौरभ जोशी जो हैं इंडिया के नंबर वन ब्लॉगर, तो उनसे मिल चुके हैं, वो उनके साथ मतलब थोड़ा घूमे भी हैं। तो भैया बता दीजिए उनके बारे में आप कुछ। वो काफ़ी अच्छे हैं और मैं उनसे मिला हूँ, लेकिन ऑफ कैमरा मिला हूँ उनसे, मैं ऑन कैमरा नहीं मिला। भाई भी हैं हमारे, तो मैं सब लोगों से यही कहूँगा कि भाई को सपोर्ट करें, ताकि ये भी अपना फ्यूचर देखें आगे, और लाइक करें। थैंक यू भैया, थैंक यू आपका बहुत बहुत। सब्सक्राइब करें भैया का चैनल। थैंक यू भैया, करेंगे मस्ती, क्योंकि यहाँ लगे हैं झूले, तो झूले छोड़ता ही कौन है। ठीक है, तो मैं अभी करता हूँ ये, इधर जो है फ्री की जिम हो जाती है मस्त एकदम। और दोस्तों देख सकते हो, हाँ मैं अभी मस्त कपड़े पहन के जा रहा हूँ, क्योंकि मुझे लोअर टी शर्ट के जाओ सोगे, बट फिर भी मैंने व्लॉग के लिए जो है ये कपड़े पहन लिए हैं। और आगे देखते हैं क्या क्या झूले हैं। एंड वाह, स्टेयरिंग लगता है, कार है, कार चलाएं इधर आके। काफ़ी इधर देखें तो मतलब एक छोटे से पार्क में काफ़ी अच्छे तरीके से इन्होंने सेटअप बना रखा है, जो कि काफ़ी अच्छा लगता है। इधर ये लैग की करने के लिए आई थिंक, हाँ ये वही है, यहाँ पे इस तरह बैठते हैं, ये लैग की एक्सरसाइज करेंगे। यहाँ पे फ्री का जिम हो जाता है, जिसको अगर जिम के पैसे ना हो तो वो मुझे नीचे कमेंट कर दें, मैं उनका एड्रेस तो पता ही आपको कि यहाँ पर आए आप, और इधर जिम करने सब मस्ती का इधर है पूरा।
ये बढ़िया, इधर आप मस्ती करोगे आके। एंड दोस्तों ये काफ़ी अच्छा लगा मुझे, यहाँ की काशीपुर की बहुत अच्छी जगह है, एक ऐतिहासिक जगह भी है, और मेन चीज़ क्या है, यहाँ थोड़ी मस्ती भी हो जाती है। आप देख सकते हैं यहाँ पे अक्सर बच्चे आते हैं, पता अभी अभी नहीं है क्योंकि अभी बजे हैं दोपहर के 12:30, तो इस टाइम नहीं, शाम के टाइम लगभग 4 से 5 बजे बीच में यहाँ पे फैमिलीज आती हैं, बच्चे आते हैं खेलने के लिए, काफ़ी आर्ट बनी है बच्चों के लिए इधर ये, तो ठीक है अच्छा लगता है। तो काशीपुर की एक जगह थी जो मुझे लगा आपको दिखानी चाहिए थी। तो अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आती हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और दोस्तों प्लीज़ ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए ताकि मैं अच्छी अच्छी वीडियो बनाता रहूं। अभी स्टार्टिंग है तो शायद उस लेवल का आपको कंटेंट ना मिले, बट मेरी पूरी कोशिश करेगी कि मैं अच्छी अच्छी ट्राई करूँ और बेस्ट अपना दूँ। थैंक यू वेरी मच, जय हिंद।